मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि शनिवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर पिपरौली ब्लॉक के जंगल रानी सुहाव कुंवारी गांव में चौपाल लगाया गया, जिसमें सरकार की सभी स्कीमों की लोगों को जानकारी दी गई तथा साथ ही में लोगों की समस्या सुनी गई, जिसमें पानी की टंकी, जल जमाव, राशन कार्ड तथा आवास की समस्या लोगों द्वारा बताई गई, जिसको देखते हुए सूची बनाकर इन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कायाकल्प पैरामीटर निर्धारित किया गया है और प्रधानाचार्य तथा सचिव द्वारा स्कूल का काम अच्छी तरह से चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, बच्चों को ये चीजें सिखानी मतलब उसके उनके खुद के इंग्लिश के स्किल्स बहुत अच्छे जी। ये साउंड सिखाना इस मैंने प्राइवेट का नहीं देखा, जैसे मैं अपने बेटे नहीं, 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 आप प्रोनाउंसिएशन कराएं सर, बच्चे करेंगे किसी का आपका आपका सारे बच्चों ये बताओ करते हैं सवाल में आप लोग कैसा कह रहे हो जनाब, जैसे जो आप पढ़ते हो ना उसको आस पास देखा करो, क्या जो पढ़ रहे हो क्या वो आस पास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो? कौन सी क्लास है ये? कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है। अच्छा, और जितने प्रश्न पूछ सकते हो पूछा करो, ठीक है? मैं अभी आया नहीं, लेकिन मैं अपना साइंस का भी लेके आता हूँ, एक्सपेरिमेंट स्कूल का प्लान नहीं था, मुझे बड़ा मजा आता उसको करने में। सर आपके द्वारा चौपाल लगाया गया आज जंगल रानी सुहास के टोला महावीर छपरा में एक चौपाल लगाई गई थी, जिलाधिकारी महोदय की चौपाल थी। इसमें सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चौपाल का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की सारी स्कीमों की ग्रामीणों को जानकारी दी गई, इसके साथ उनकी समस्याएं सुनी गई, जिसमें मूलतः जो पानी की टंकी को लेकर समस्या बताई गई है, राशन कार्ड और आवास को लेकर बताई गई है, और इन सारी समस्याओं को सूचीबद्ध करके इनका निस्तारण किया जाएगा और राशन कार्ड का एक कैंप भी लगाया जाएगा। इसके बाद स्कूल का भ्रमण किया गया, स्कूल जो कायाकल्प के 18 पैरामीटर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किए गए उसको परिपूर्ण करता है, और उस स्कूल में 450 एडमिशन है, वो स्कूल का काम बहुत अच्छे से वहाँ के प्रधान जी और वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं और सचिव द्वारा कराया गया, एक मॉडल स्कूल की तरह डेवलप किया गया। जनता द्वारा भी कुछ समस्याएं हैं? जनता द्वारा जो भी समस्या बताई गई है उसको सूचीबद्ध किया गया, उसमें मैंने मुख्यतः बताया कि राशन कार्ड को लेके थी, पानी को लेके थी और जो जल जमाव है उसको लेके गई थी, और उसमें हमने सारे प्रोजेक्ट जो मनरेगा के हमने मंजूर किए हैं वो सारे बताए हैं। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस ग्रांट का वो गाँव है, परफॉर्मेंस ग्रांट का सारा DPR पढ़ के सुनाया गया है, और आने वाले 2-3 दिनों में वहाँ परफॉर्मेंस ग्रांट का काम शुरू होने वाला है, और उसकी लेके हमने जागरूकता के लिए वो भी चौपाल लगाई थी, तो ये सारे मकसदों को पूरा करते हुए चौपाल को पूर्ण किया गया।